हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स मीडिया। स्टूडेंट, बायोलॉजिकल साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या कुछ पढ़े भी लिए हैं, तो एक बार इन टॉपिक को रिवाइज करके ज़रूर जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। मैंने ऑलरेडी वैसे तो आपके लिए मॉडल पेपर्स भी अपलोड कर दिया है, ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट भी अपलोड कर दिया है, फिर भी मैंने सोचा कि टेक्स्ट बुक से कुछ टॉपिक आपके लिए अपलोड कर देता हूँ, ताकि एग्जाम अच्छी तरह लिखे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स फर्स्ट लेसन से, न्यूट्रिशन। इस लेसन से आपको पढ़ने वाले टॉपिक्स है, देखिए ये फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस, ये सारा आपको रीडर में रहेगा, यहाँ से आपको पढ़ना है। और उसके बाद रहेगा नेक्स्ट आपका, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फोटोसिंथेसिस, ये आपका टॉपिक रहेगा। और ये आपका एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्टिविटी है, ये लैब एक्टिविटी कैसे भी आपको पूछा जाएगा, ये लैब एक्टिविटी रीडर से है, ये सारा लैब एक्टिविटी है, ये आपको यहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद एक और लैब एक्टिविटी है, देखिए ये भी ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए रीडर से आपको पढ़ना है, ये भी एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद ये भी एक है, देखिए सनलाइट इज नेसेसरी टू फॉर्म द स्टार्च ग्रीन प्लांट, ये भी, ये तीनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपको किसी तरह पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद एक और टॉपिक है क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, ये आपको रीडर से या अपने वो बुक से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आपको डायग्राम याद करके जाना है, यहाँ पर आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ है, टी एस सेक्शन ऑफ लीफ, आपको याद करके जाना है। उसके बाद ये भी एक आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का फिगर, आपको याद करके जाना है, ये एक टॉपिक आपको लेना है। उसके बाद नेक्स्ट और देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैं टिक कर रहा हूँ अच्छी तरह याद करके। नेक्स्ट ये देखिए फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फ्लो चार्ट का टॉपिक एक आपको उठाना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद ये भी पढ़ना है आपको क्वाशरकोर डिजीज मैरामस, यहाँ पे मैरासमस ओबेसिटी, ये आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह याद करके जाना है, ताकि एग्जाम आप अच्छी तरह लिखे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन, इस वाले लेसन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए, यहाँ पे एक ब्रीथिंग का शॉर्ट आंसर पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर भी इसके बारे में पूछ सकता है, वो याद करके आपको जाना है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट और टॉपिक्स देखेंगे, यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये एक आपको टॉपिक पढ़ लेना है अच्छी तरह। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम याद करना है, उसका आंसर्स भी आपको याद करना है हो सका तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट का एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा कंप्लीट आपको रीडर से मिल जाएगा, यहाँ से रीडर से आपको मिल जाएगा, रीडर से आपको पढ़ना है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये एक लैब एक्टिविटी आपको पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस वेरियस रेस्पिरेशन का है, यहाँ पे ये एक आपको एक्टिविटी पढ़ना है, क्योंकि एक्टिविटी से कंपलसरी आपको एग्जाम में देगा, अच्छी तरह आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट लेसन में आते हैं, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डायग्राम के साथ आंसर्स भी आपको याद करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे एरेट्रिस एंड वेंस, ये भी ये टॉपिक आपको याद करना है, या इसका रिलेटेड कोई भी आंसर अगर आपको मिला तो आंसर आपको याद करना है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, इसका शॉर्ट आंसर पूछ सकता है, इसके अंदर दो भी पढ़ना है, यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों भी आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक टॉपिक, व्हाट इज़ द रूट प्रेशर, ये भी एक टॉपिक है, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट उसका टॉपिक है, ये आपको पढ़कर जाना है। जितने भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ आराम से अच्छी तरह पढ़ के जाइए, ताकि एग्जाम अच्छी तरह आप लिखें। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट लेसन में, यहाँ पर देखिए ये आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ किडनी का आपको पढ़ना है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको ये भी लेना है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये तीनों भी आपको याद करना है, हो सका तो इसके आंसर्स भी याद कर लीजिए इससे रिलेटेड, ताकि आपको अच्छी तरह एग्जाम लिख पाए। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट लेसन यहाँ पर है, देखिए ये आपको याद करना है, आपको नर्वस सेल के बारे में या एक्टिविटी या इसका रिलेटेड आंसर अगर है तो नर्वस सेल का आपको याद करना है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए एसोसिएशन नर्व सेल है, ये पूरा आपको ब्रेन स्पाइनल कार्ड, ये पूरा कंप्लीट आपको याद करना है फ्लो चार्ट। उसके बाद यहाँ पे ब्रेन के बारे में है, देखिए ये पूरा ब्रेन का बारे में आपको याद करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर,
नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ये पढ़ना है, फिशिंग, फिशिंग, बर्डिंग और फर्मेंटेशन, ये आपको याद करना है, ये अलग से याद कर लेना है आपको आराम से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर अगर देखेंगे हम, यहाँ पे द स्पर्म, ये इसके फिगर के साथ आपको याद करना है। ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए धतुर ऑफ फ्लावर, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ऑफ द लेबल पार्ट्स, ये भी याद करना है, हो सका तो इसका आंसर भी आप याद कर लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, यहाँ पे भी आपको लेना है, यहाँ पे ओवल, यहाँ पे उसका डायग्राम इससे रिलेटेड है, ये दोनों अलग अलग है, देखिए फीमेल यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ये दोनों भी आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर आएंगे हम, यहाँ पे ये लेना है आपको डेंटेशन के बारे में, देखिए ये डेंटेशन के बारे में पूरा टॉपिक है, कंप्लीटली टॉपिक आपको याद करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा पढ़ेंगे आप, जितने मैं टॉपिक दे रहा हूँ अच्छी तरह याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, देखिए ये पेनेटॉप्स और जेनेटॉप्स, ये भी आपको याद करना है, एक फिगर के साथ आपको याद करना है। उसके बाद ये आपको लेना है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये कंप्लीट आपको टॉपिक याद करके जाना है, ये कंप्लीट टॉपिक आपको लेना है। ये व्हाट इज फॉसिल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ये भी आपको लेना है, फॉसिल्स क्या है, आवर एनवायरमेंट, इस लेसन से आपको देखेंगे तो इस लेसन से आपको याद करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, यहाँ पे देखिए पिरामिड एनर्जी, ये आपको याद करना है क्योंकि कभी एक बॉक्स में भी इसका आंसर पूछ सकता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आंसर, लास्ट लेसन, यहाँ पर देखिए फिशेस फ्यूल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये थे माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक से आप अच्छी तरह रिलेटेड याद करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि बायोलॉजिकल साइंस अच्छा लिख कर आएंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, और यही कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को।